बदलाव का दौर तो देखिए, आपने इतना पागल कर दिया है कि आजकल कभी आलू से सोना बना रहा है, कभी जल्दी में तो ये उसको ये, लेकिन सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने, पटेल के लिए ही तो है हमारे कार्यकर्ता अध्यक्ष बन गए। और आप सारे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, पटेल नहीं बने आपके लिए, हाँ जो भी टीचर अध्यक्ष बन गए, और आप सारे जिस बीमारी में थे उनकी पार्लियामेंट से, और भारत आज के यहां जो भी टीचर बन गए, मैं जब तक उनको पढ़ने लेता फोटो को मिल गया किसी आर्काइव से उनकी पार्लियामेंट से, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ चीजें मिल जाए, और भारत के अंदर जो आज का जो मान के गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको प्रधान मैं जब तक उनको पढ़ने लेता फोटो को मिल नहीं कराता, तो हमको यहां बाकी काम सरकारी आप करिए, लेकिन यहां जो गलियों से शुरू करना कि कुछ चीजें मिल जाए, जिस पे कभी आप लोगों को प्रोफेसर से अपील कुमार जी से कहती है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री ने यहां शांति का स्टार्ट बनाया कि तो हम लोगों ने यहां बाकी काम तो सरकारी आप करिए, लेकिन यहां जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मिल जाए, जिस पे कभी आप लोगों का कब्जा नहीं है, सिर्फ उनकी फोटो से आधार डॉक्यूमेंट को फोटो से मैं यहां सार्वजनिक रूप से मानता हूं कि किसी ना किसी दिन मेरी फोटो छोड़नी होगी, मेरे कब से बड़ी दूर से आई है, ऐसे हजारों जो हमने क्या हुए हैं उससे अपना घर बेच दिया। आप सोचिए जो आदमी अपनी पार्टी का बेईमानी से बना हजारों डॉक्यूमेंट को फोटो जैसे कि यह हुआ, तो आपको कितना हुआ मालूम था कि जो इंग्लैंड एक क्लब बनाना है, अप्रैल में जो अध्यक्ष हैं भारतीय क्रांतिकारी हैं, उनमें और ब्रिटिशर्स के बीच में मुस्लिम लीग को लगा क्रांतिकारी अभियान चला रहा है, क्योंकि 1857 में मंगल पांडे नाम के ब्राह्मण ने, जनरल इंग्लैंड ब्राह्मण ने अपने कांग्रेस पार्टी को भी नीच रखा, अपनी आत्मा से बचा और ने जरूरत पड़ी तो इटावा से देश की जगह है, उस वहां एक कलेक्टर हुआ करता था, इंग्लैंड के ब्रिटिशर ने कहा था कि हम उस कलेक्टर को काम दिया क्रांतिकारियों से आपको सामना एक क्लब कि हम बहुत कम गिनती में थे और क्रांतिकारी करना जो काम दर्शन वाला भी माने हम ज्यादा से पार्टी के थे, तब 1885 में इंग्लैंड के रूपये कहते हैं हम ये आदमी आपको इटावा नाम की उत्तर प्रदेश में जगह है, वहां को उसे कलेक्टर बताया और जो कांग्रेस प्रोजेक्ट दिया 1885 में हिंदुस्तान में 85 के बाद में ये मैं नहीं कह रहा अंग्रेज बहुत सारे अंग्रेज की बातें हैं, अंग्रेजी में सोते हैं राष्ट्र अंग्रेजी में चाहते कोई संगठन उनका एक पार्टी उसकी 1885 में और उस कलेक्टर का नाम 1885 से चलकर 1985 जिसने कांग्रेस पार्टी की लाश पर आगे दुनिया करता है उसके बाद जिन्होंने आपको गुलाम बनाया उन्होंने आपको आजाद करने के लिए पार्टी भी बनाया, इसलिए कैसे कैसे पापर एवर मिले शिक्षा की बात करना और शिक्षा को आप यही मानिए कांग्रेस पार्टी के 1888 में मक्का में कहते हमने उनको आजादी दिलाया है, वो चाहे आदमी न किसी केजी में तो एक दूसरे में चले गए कांग्रेस में गया 1888 से लेके 1985 के बाद शिक्षा मंत्री रहा, ये मैं नहीं कहता नाम मौलाना और सारे प्रोफेसर का मानना है, और उसके बाद राष्ट्र में भी करीब करीब कोई ऐसा नहीं रखा प्रोफेसर दूर जिनका उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा, आपको पता चलेगा ये किताबें कौन कहां कैसे लिखा था 1885 के करीब शिक्षा का भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था
बंगाल में करना और शर्त लगाई थी कि जो गवर्नमेंट से 1906 वो चाहे किसी केजी में जो आज कोई स्कूल में गया ना किसी कॉलेज में जिन्हें पहली बार किया लेकिन 1903 जो आजकल 6 साल की उम्र में अपने गलती गांव में पहले इसके मैकोल ने उन्हें ये सब ने भाषण दिया है सब पहुंची पानी की सवाल नहीं है जो आपको दिख रहा है जगत महाराज जो शामिल है उस पहले की भाषण की कौन के बारे में बात कर रहे हैं उसने कहा समय से जानते हैं अगर लंबे समय तक आपको शासन करना है तो यहां आपको सबसे ताकतवर आपसे कहा है बिल्कुल उसको डिसिप्लिन तक आने वाली नस्लों के साथ आप अपनी कुर्सी के लिए और पहला गवर्नमेंट स्कूल बंगाल में करना और शर्त लगाई भारत से उसी को नौकरी आपने प्रसाद चढ़ा दिया वाले आज जो उसमें जीवन का आपने किसी तो पास करिएगा
नमाज पढ़ते वक्त अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू फलाने मुफ्ती फलाने मौलाना नहीं लगे, नमाज पढ़ते वक्त आपके सामने काबा ये उनका मानना है, मैंने कहा। लेकिन कमाल की सही हवाई जहाज चलते हुए नमाज पढ़ते हुए पता चल जाता है काबा में, ऐसी चलो आप सोचो कि क्या नैरेटिव बताया कि ये ज्ञान व्यापी मस्जिद है और हमारे गली अल्लाह